इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ की। जिस आईपीओ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक एंड मोबिलिटी। दिस कंपनी इज बेसिकली फाउंडेड बाय मिस्टर भावेश अग्रवाल एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु इंडिया इन 2017। अगर बात करें तो ये किस फील्ड में काम करता है, दिस पर्टिकुलर कंपनी वर्क्स इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर इसका मिशन की बात करें तो इनका मिशन है ट्रांजिशन अर्बन मोबिलिटी टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सस्टेनेबल एनर्जी। और इनके अगर की प्रोडक्ट्स की बात करें तो ओला S1 है, विच इज द एडवांस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर। और बैटरी में इन्होंने इनोवेशन किया है, इंडिजिनस बैटरी यूज किया है। दे हैव यूज्ड द टेक्नोलॉजी टू डेवलप एन इंडिजिनस बैटरी फॉर एनहांस्ड ईवी परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें इनके हाइपर चार्ज नेटवर्क की तो दे हैव द लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क इन इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियोज। तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग इज देयर मेन ऑब्जेक्टिव एंड दे आर द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट टू व्हीलर फैक्ट्री इन तमिलनाडु विद 10 मिलियन यूनिट पर ईयर कैपेसिटी। अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत पैसा स्पेंड किया है बैटरी की R&D में, एंड बैटरी R&D का जो फोकस है वो है ऑन सॉलिड स्टेट बैटरीज फॉर इम्प्रूव्ड ईवी रेंज। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलता है तो आप देखेंगे उसकी एक रेंज होती है, बढ़िया से बढ़िया कार कुछ 400-500 किलोमीटर चल सकती है। तो इन्होंने क्या किया है, अपनी रिसर्च से सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाई है जिससे इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेंज है, मतलब कितनी दूर व्हीकल जा सकता है एक चार्जिंग में, वो इम्प्रूव हुआ है। और दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी, दैट्स अनदर सेगमेंट, सोलर इंटीग्रेशन एट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर सस्टेनेबिलिटी। तीसरा जो पॉइंट है इनका बात करेंगे, इनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि एक कंपनी अभी डेवलप कर रही है, अपनी R&D में बहुत स्पेंड कर रही है, अभी सेल्स इतनी ज्यादा है नहीं। बट द मोमेंट सेल्स विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज एंड दे विल बी इन गुड प्रॉफिट। सो अगर बात करें, इन्होंने लिस्ट किया था अपने स्टॉक को ऑन इन August 2024 एंड दे रेज्ड अबाउट 6,145 करोड़ फ्रॉम द मार्केट। एंड जो जहां रेवेन्यू इनका किस तरीके से बाइफरकेट होता है, तो प्राइमरी इनका रेवेन्यू आता है बाय सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स एंड एक्सेसरीज। और अगर सेकेंडरी रेवेन्यू की बात करें तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, आफ्टर सेल सर्विस से आता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट से आता है। और अगर इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो रहा है वो ईयर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में रेवेन्यू इज अप बाय 32% टू 1,644 करोड़ फ्रॉम 1,243 करोड़ इन Q1 ऑफ ईयर 2024। नेट लॉसेस की बात करें तो जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 है उसमें लॉसेस इनके हुए हैं 345 करोड़, अप फ्रॉम 267 करोड़ इन Q1 ऑफ 2024। एबिटा लॉसेस की बात करें तो रिड्यूस टू 204 करोड़ इन Q1 ऑफ 2025 फ्रॉम ₹218 करोड़ इन Q1 ऑफ 2024। तो मतलब धीरे धीरे लॉसेस इनके रिड्यूस हो रहे हैं। और बात करते हैं अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस की, तो करंट सिनेरियो में तो दे आर इनटू नेट लॉस। व्हाई? बिकॉज देयर ऑनगोइंग R&D कॉस्ट इज रियली रियली हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज आल्सो हाई। अंटिल दे स्टार्ट सेलिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दे विल नॉट बी राइट नाउ इन अ पोजिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट्स। शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस की बात करें, जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन इस स्टॉक ने, अगले दिन इस स्टॉक ने 130 का हाई लगाया। और आज के दिन की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट ओपन अबाउट गैप डाउन बाय 20% एंड उसके बाद इसने राइज किया है 2.5% का। IPO प्राइस वो 76 और इसने हाई बनाया 130 का, ऑलमोस्ट लाइक आपको 70-80% का बेनिफिट मिल गया था विद इन द लिस्टिंग, 2 डेज ऑफ लिस्टिंग। फ्यूचर प्लान्स की बात करें, प्रोडक्ट एक्सपेंशन की बात करें तो न्यू इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च इमिनेंट, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट लाइनअप। उसके बाद ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करें, दे आर टारगेटिंग साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका मार्केट्स। एंड टेक एडवांसमेंट्स की बात करें तो फोकस ऑन ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड AI ड्रिवन मोबिलिटी सोल्यूशन। कैपेक्स प्लान की बात करते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक हैज earmarked over 10,000 करोड़ फॉर इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन स्केलिंग तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड बैटरी R&D। चार्जिंग नेटवर्क्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट कैपेक्स एलोकेटेड टू एक्सपैंडिंग द हाइपर चार्जिंग नेटवर्क्स। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ओला इलेक्ट्रिक कमिटेड टू अचीविंग अ नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट बाय 2030, अलाइनिंग विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी
गोल्स एंड एनहांसिंग इट्स ब्रांड इमेज. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इनके ऑर्डर बुक की. तो करंट ऑर्डर बुक्स की बात करें तो देर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड विद अ ग्रोइंग ऑर्डर बुक इंक्लूडिंग प्री ऑर्डर्स फॉर अपकमिंग मॉडल्स. और अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ एज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एंड जियोग्राफिक एक्सपेंशन कंटिन्यूस. अब मैं बात करूंगी इसके प्राइस की और वॉट कैन बी एक्सपेक्टेड. आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ है ओला इलेक्ट्रिक का, जो प्राइस था 76 पे ओपन हुआ था, वहां से इसने चल के दो दिन में इसने हाई लगाया था 130 का, नहीं 3 डेज में. आज गैप डाउन खुलने के नीचे जाके और फिर इसने एक रिवर्सल लिया और मैंने देखा है कि एंड ऑफ द मार्केट देयर वाज अ ह्यूज बाइंग दैट हैज कम. अकॉर्डिंग टू मी अगर ये स्टॉक 113.5 के ऊपर जाते तो आपको 130 का टारगेट इमीडिएटली आता हुआ दिखाई देगा. अगर ये 130-140 को क्रॉस कर लेता है तो आने वाले एक साल के अंदर मेरा इसका टारगेट रहेगा 200 रुपए का. और अगर इनके स्कूटर सेल्स रियली गोज अप एंड वेल एंड दे कीप प्रोड्यूसिंग देयर लॉसेस बिकॉज आर एंड डी हैपन्स एवरी ईयर और एवरी मिनट इन द कंपनी, बट द मेजर एक्सपेंस विल रिड्यूस. सो मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आ जाएगी और फिर आप इसमें 200, 300, 400 तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग एक्सेट्रा. सो प्रमोटर्स होल्डिंग इज 36.78 एंड FIs होल्डिंग इज अबाउट 7.64. DIs होल्डिंग इज अबाउट 6.74 एंड द पब्लिक होल्डिंग इज 42.43. मतलब पब्लिक इज वेरी वेरी interest, but rest of the fundamentals are not very very impressive. You can see all over there are losses, but what I understand ki ye, because the company is new and the company is really launching the product, that's why all of it is losses in losses. Had it been profit, mere hisab se share price kam se kam 500 rupees ka hona chahiye tha. To agar company abhi baby steps le rahi hai, shuruaat kar rahi hai, inception mein hai, धीरे धीरे माइक्रो कैप से मिड कैप होगी, मिड कैप से स्मॉल कैप होगी, स्मॉल कैप होगी, स्मॉल से मिड कैप होगी, मिड कैप से लार्ज कैप होगी. वेट करिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा निकला और डिमांड ऑर्डर बुक के हिसाब से अगर प्राइस एक्सपैंड करते रहे और अपनी क्वालिटी को डिलीवर करते रहे तो सून द टारगेट ऑफ 500 कैन ऑल्सो बी सीन, मे बी इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 2 to 3 years. सो कीप इट ऑन रडार, ओला इलेक्ट्रिक.